कैसे जानते हैं, मतलब कैसे, कैसा लड़का है नीरज चोपड़ा, क्या आप कहेंगे उनके बारे में? मेरे तो पिछले कान है तो, या ऐसा नरम जाकत तो कदे भी देखा हमने। इसका बाप भी ऐसा है। अच्छा। और ये भी ऐसा है। ये तो अगले कान मेरा मकान है, पिछले कान इनका ही, ये जो कोठी बनाई है। अच्छा। अगले कान वो जामन ही है नी। तो लास्ट आखिरी बार आप कब उनसे मिले नीरज चोपड़ा से, क्या बात हुई, कुछ ऐसा बताएंगे हमें? वो तो लगते शायद जवाब है नी, बिना मिले बिना पांच उचकारे तो जानता भी नहीं, दादा लागूंगा उसका। हाँ, तो पांच उचकारे बिना तो कदे गेट से भी नहीं निकलता, हो इतना नरम ताकत है। और फिर गांव में पानी है जो इतना गलत है, बर्तन भी काले हो जाए। अच्छा। हाँ, गाँव के पानी है, बर्तन भी काले हो जाए। तो फिर मैं ये कह रहा था, महा पानी गांव में भी नहीं है, महा तो ये कोई सूचना चली जा तो अच्छा, ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मतलब आपको लगता है कि नीरज चोपड़ा की वजह से गांव में कुछ बदल सकती है? हाँ, बदलेगी। देखिए, आज नीरज चोपड़ा का जो गांव है उसमें एक मेले सा माहौल है, लोग यहाँ नीरज चोपड़ा के घर पर आ रहे हैं, उनसे एक बार मुलाकात करना चाह रहे हैं, लोग इस सवाल का जवाब पता करना चाह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा गांव में कब आएंगे। उनके घर पर जब आप उनके घर वालों से मिलने जाएंगे तो आज सब कोई बहुत व्यस्त है, क्योंकि मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हम इस वक्त ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ से ठीक सामने करीब 5 कदम की दूरी पर नीरज चोपड़ा का घर है, और सामने आप देखिए यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनका चौपाल लगा हुआ है। तो हम गांव के बुज़ुर्गों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि नीरज चोपड़ा के बारे में उनके जहन में कौन सी अच्छी यादें हैं, कैसे वो जानते हैं, पहचानते हैं नीरज चोपड़ा को। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? नाम हरी सिंह नाम है मेरा। इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव का रहने वाला। तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ हमें बताएंगे? नीरज चोपड़ा का जन्म बचपन से ही जानते हैं। अच्छा। बचपन से ही जानते हैं, बचपन में बिल्कुल सुशील स्वभाव का बच्चा था, और पढ़ते पढ़ते वो जब 12 साल की एज में गए ना, उसकी वेट इतना था 80 किलो का वेट हो गया था उसका। सिर्फ 12 साल में 80 किलो? 12-13 साल की एज में 80 किलो का वेट था उसका। अच्छा। फिर उसके चाचा जी उसको पानीपत ले गए। अच्छा। पानीपत जिम में, शिवाजी स्टेडियम के पास जिम था वो, भाई तो यहाँ प्रैक्टिस कर बेटे, तेरा वजन टूटेगा, और सिंपल खाना खा, अपने डाइट भी घटा। तो जी वहाँ जिम में प्रैक्टिस करता था, वो जिम में प्रैक्टिस 2 घंटे करने के बाद वहाँ शिवाजी स्टेडियम में बैठ जाता था, आगे स्टेडियम में। एक दिन वहाँ का कुछ बच्चों पर ये जैवलिन थ्रो करवा रहा था, उसने बच्चे को देख के उसने भी उठकर जैवलिन थ्रो किया। जो कोच था वहाँ का, उसने उस बच्चे ने जब जैवलिन थ्रो किया ना नीरज चोपड़ा ने, उसने उसके अंदर कोई टैलेंट देखा। भाई मैं इतने दिन से बच्चा को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और इसने पहले ही जैवलिन थ्रो में इतना बढ़िया टैलेंट दिखाया है। वो कोच बोला, अब बेटे दोबारा फिर फेंक एक बार। उन्हें दोबारा फिर फेंक किया, वही उसी स्थिति में फेंक के उसने, तो वहाँ से उसको कोच ने सलाह दी, अब बेटे जिम में भी आ और डेली 1 घंटा मेरे पास यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ प्रैक्टिस करने लग गया, रात को 10 बजे 11 बजे उसके चाचा जो भीम है वो पानीपत काम करते थे, वो लेके आते थे अपने साथ में उसको 10 बजे कभी 11 बजे, इतने घर के सारे इंतज़ार में रहते थे हमारा बच्चा किस टाइम आएगा। 11 बजे खाना खाता था, सुबह फिर निकल जाना अपने स्कूल की पढ़ाई करने, छोटे टाइम फिर वहाँ उसमें स्टेडियम में जाना, अपने जिम में भी जाना। कई सालों ने प्रैक्टिस यही किया, फिर यहाँ से उसको पंचकूला भेज दिया। पंचकूला जाने के बाद उसका वेट भी ठीक हो गया, या पानीपत प्रैक्टिस करते करते फिर पंचकूला भेज दिया। पंचकूला कोच ने कहा, अभी अपना जैवलिन लेके आए, जैवलिन की कीमत उस टाइम 50,000 थी, बढ़िया वाला जैवलिन था जो उसके लिए कोच ने मांगा। घर में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि उसको 50,000 का आम जैवलिन लेके देते हैं, तो चाचा ने फिर उसको 7,000 का जैवलिन दिया। 7,000 के जैवलिन से उसने अपनी थ्रो शुरू की, और फिर वहाँ से वो पटियाला पहुँच गया, फिर वो 200 में गोल्ड लेके आया। अच्छा, तो ये बताइए कि जब वो जैवलिन थ्रो करना उन्होंने शुरू किया था, तब आप गांव में तो घूमते ही होंगे, आते ही होंगे आप लोगों के घर पे? घूमते हैं, पड़ोस में हमारे, यहाँ हमारा घर है, यहाँ इसका घर है। तो तब उनमें लगा था ऐसा कि ऐसा कुछ दिखा था कि हाँ ये बच्चा जो है इसके एक दिन इतना नाम करेगा? जब तो किसी को इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी, बच्चा है भाई सभी खेलते हैं। सुनता हूँ गाँव में लोग चिढ़ाते थे उन्हें। हाँ, गाँव में लोग चिढ़ाते थे, वो इतना मोटा ये क्या करेगा, इतना मोटा ये क्या करेगा, हैं,
मोटा होते उसको प्रैक्टिस करते करते उसने अपना वेट भी अपना कंट्रोल किया और प्रैक्टिस आगे बढ़ती रही और आज इस मुकाम पे है, अक्सारा देश नीरज को याद कर रहा है। मतलब घर की हालत कैसी थी, हमने सुना है ऐसा भी कि छोटे किसान हैं, खेत में पानी कामयाब नहीं है। जब पानी कामयाब नहीं तो किसान क्या करेगा, जब पानी अच्छा नहीं होगा तो उसमें फसल नहीं होगी। पानी पता अपना मेहनत मजदूरी करते थे, चार भाई इसके चार चाचे हैं नीरज के, चारों अपना अपना काम पकड़ रहे थे, ऐसी कंडीशन थी। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि उनके जो उनके उनके जो चाचा हैं भीम चोपड़ा जी, कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया नीरज चोपड़ा? भीम चोपड़ा ने उसको इतना उत्साहित किया है, अपनी रोटी छोड़ के उसको डेली जूस देना, एक जग जूस डेली पी बेटे, मैं पैसे कहीं से भी लाऊं। एक दुकानदार को बोल रखा था भी प्रैक्टिस करने के बाद तेरे पास बैठेगा ये, इसको पास पैसे हो या ना हो तेरे पैसे मैं दूंगा। लेकिन दुकानदार ने भी इतना हौसला हो गया, आज उसके पास जब से आता है ना वो, अब जितनी बार भी आता है उसके पास जूस डेली पी के आता है, अब उसको वो जूस फ्री पिलाता है वो वो दुकान वाला, वो बोलता है कि मेरा जूस पी कर जब थोड़ो मारे इसने आज उसको याद करता है। और इतना उत्साहित है, अब भी गाँव में उसको देख करके 20-25 बच्चे गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, हाँ अपने पैसे से तो उनको जैवलिन खेल का सम्मान उन बच्चों को देता, वो इस बच्चों से इतना प्यार है उसको, हाँ जी बाबा सबको गांव में ताऊ चाचे सबको मिल करके नमस्कार करके, हैं ये नहीं कि आओगा घर बैठ जाएगा तो इतना स्टार इतना बड़ा स्टार बन गया अब लोग तेरे से ही मिलने आएंगे, ये भावना उसकी नहीं है, अपने आप खुद मिल के आता वो, हाँ बच्चों से बड़े बुजुर्गों से उसको इतना प्यार है। इतना बड़ा स्टार होने के बाद तो आदमी भारी हो जाता है, हैं लेकिन उसके अंदर ये कोई भावना नहीं उसकी है, हाँ बिल्कुल साधे स्वभाव का लगता है जी।